मैं प्लीज मैं इसके बाद किसी और को इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे 5 मिनट दे दीजिए, बहुत गंभीर। 5 मिनट नहीं, बहुत सर, 1-2 मिनट में ब्रीफली कह लें। सर जी, सर बात ऐसी है कि हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई। अब मैं यहाँ बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं, देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आज़ाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है, वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, सर हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, जानता हूं पर चुकी मेरे सर गुरुजन, मेरे बाबा, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़ मर नेतृत्व उनका था। तो सर कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाए खुजे पावे गो ना गो तुमी, शेजे होच्चे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है, एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब के साथ कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। श्री जीवीएल